दोस्तों, मैं आपको लेकर आ गया हूँ यहाँ का एक तो फेमस मंदिर जो महाकालेश्वर के बाद देखा जाता है, हर सिद्धि मंदिर। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ और ये मंदिर मैं आपको रात को भी दिखाने वाला हूँ। मैं रात को दिख बताऊँगा। चलिए अभी मैं दर्शन कराता हूँ आपको हर सिद्धि मंदिर के। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। उनमें से ही एक है उज्जैन में स्थित हर सिद्धि माता मंदिर, जहाँ माता सती की कोनी गिरी थी। गुजरात स्थित पोरबंदर से करीब 48 किलोमीटर दूर द्वारका के समीप समुद्र की खाड़ी के किनारे मियां गांव है। खाड़ी के पर्वत की सीढ़ियां के नीचे हर सिद्धि का मंदिर है। मान्यता है कि उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य यहीं से आराधना करके देवी को उज्जैन लाए थे। तब देवी ने विक्रमादित्य से कहा था कि मैं रात के समय तुम्हारे नगर में तथा दिन के समय इसी स्थान पर वास करूँगी। इसी कारण आज भी माता दिन में गुजरात और रात में मध्य प्रदेश के उज्जैन में वास करती हैं। एक बार जब चंड प्रचंड नाम के दो दानव जबरन कैलाश पर्वत पर प्रवेश करने लगे तो नंदी ने उन्हें रोक दिया। असुरों ने नंदी को घायल कर दिया। इस पर भगवान शिव ने भगवती चंडी का स्मरण किया। शिव के आदेश पर देवी ने दोनों असुरों का वध किया। प्रसन्न महादेव ने कहा, तुमने इन दानवों का वध किया है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम हर सिद्धि प्रसिद्ध होगा। मैं वापस ले आऊँ, जैसे मैंने कहा था मैं शाम को आपको हर सिद्धि मंदिर वापस लेके चलूंगा, तो मैं दिखाता हूँ जो मैं आपको दिखाने वाला था। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा।
दोस्तों देखा आपने क्या दिखाने वाले मता में, ये था जो फटाफट ये ऊपर लोग चढ़े थे, ये जलाते हुए नीचे आए एकदम जबरदस्त। और ये खाली हम शाम को ही देख सकते थे, रात को ही बहुत ही, इन्होंने दो मिनट के भी नहीं लगे होंगे ऊपर गए वो फटाफट दिए चलाकर आ गए। दोस्तों अब ये ब्लॉग ख़त्म करते ही पे मिलता हूँ मैं जल्दी आपसे नए ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो और ये हर सिद्धि टेम्पल का ये जो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव।